हाय माय लवली स्टूडेंट, लेसन नंबर 8 समय। स्टूडेंट, ये लेसन हम आगे देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। कह समय, यहाँ पे संस्कृत में समय दिया हुआ है 5:30, इट्स मीन्स सार्ध पंचवादनम 5:30, 5:30 हुए हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सार्ध। क्या यूज करेंगे? सार्ध पंचवादनम। ओके, 6:30 तो सार्ध षड्वादनम, 6:30, सार्ध षड्वादनम 6:30 है। अगर 5:00 या 6:00, 3:00, 4:30 हुए हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सार्ध। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? सार्ध। 30 मिनट्स के लिए हम यूज करेंगे सार्ध। ये आपको याद रखना है। आगे है 9:30, इट मीन्स 9:30, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सार्ध नववादनम। संस्कृत में हम नंबर सीख चुके हैं, उसके हिसाब से आपके लिखना है 9, तो नववादनम 9:30 सार्ध नववादनम। आगे है 2:30 सार्ध द्विवादनम, ओके, इतना क्लियर। अगर 30 मिनट हुए है, तो उसके लिए हमें यूज करना है सार्ध। ओके स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखेंगे, यहाँ पे 3:15 हुए है, 3:15, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 3:15, तो यूज करेंगे सपाद 3 मीन्स 3 वादनम, सपाद 3 वादनम, 3:15 है। फिर यहाँ पर 4:15 हुए है, तो यूज करेंगे सपाद 4 वादनम, बराबर 15 मिनट्स, 4:15, तो इसके लिए हमें यूज करना है सपाद 10:15, तो सपाद 10 वादनम, 8:15 हुए है, तो सपाद 8 वादनम। ओके, अगर 8:00, 4:00, 12:15 कोई भी समय है, 15 मिनट्स के साथ है, तो उसके लिए आपको यूज करना है सपाद। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखेंगे 10:15 कम है, तो उसके लिए क्या यूज करना है आपको? पादो न 10 वादनम, मतलब 15 मिनट्स कम, 10:15 कम, तो इसके लिए आपको यूज करना है पादो न 10 वादनम। 12:15 कम है, 12:15 है, तो 12:15 कम है, तो यूज करेंगे पादन द्वादश वादनम। 9:15 बाकी है, 9:15 हुए है, तो पादन नव वादनम। 1:15 कम है, 1:15 हुआ है, तो पादन 1 वादनम। इस तरह आपको सारे टाइमिंग याद रखने हैं। सार्ध मीन्स 30 मिनट्स, सपाद मीन्स 15 मिनट्स, और पादोन मीन्स 15 मिनट कम, 15 मिनट लेस। इस तरह आपको टाइमिंग संस्कृत में याद रखना है। एक्सरसाइज, कह समय, लुक एट द क्लॉक एंड राइट टाइम इन नंबर एंड वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है? 1:15, तो क्या लिखेंगे हम? 15 मिनट्स मीन्स सपाद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1:00। नंबर्स में भी लिखना है 1:15 लिखेंगे सपाद 1 वादनम। इस तरह आपको लिखना है। आपको इस प्रकार क्लॉक आपकी बुक में ड्रॉ करना है, और टाइम वर्ड्स और नंबर्स में इस प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पे 7:30, 7:30 है, तो 30 मिनट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सार्ध। तो हम लिखेंगे सार्ध, पहले हम नंबर्स में लिखेंगे 7:30 मीन्स 7,
थर्टी, फिर हम लिखेंगे सार्ध सप्त, सप्तमी सात वादनम, सार्ध सप्त वादनम। अभी यहाँ पे है 2:15 कम है, 2:15 है, 2:15 कम है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पादो न, क्या यूज करेंगे, पादो न, जो हमने लास्ट में देखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स में, लिखेंगे पहले 1:30 + 15 - 45 इसके लिए हम यूज करेंगे पादोन द्विवादनम, 2:15 कम है। आगे देखते हैं 4:30 हुए, 4:30 है, तो 4:30 के लिए हम क्या यूज करते हैं, सार्ध। तो यहाँ पे पहले हम नंबर्स में लिखेंगे 4:30, ये आपको संस्कृत में लिखना है, फिर लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। आगे है 11:30 हुए है, 15 मिनट्स हुए है, तो हम लिखेंगे 11:15 में, 11 मीन्स एकादश और 15 मिनट्स मीन्स सपाद, तो हम लिखेंगे सपाद एकादश वादनम। आगे है 6:45 है, तो 6:00 में कितने मिनट्स कम है, 15 मिनट्स कम है, तो हम लिखेंगे पादोन, और यहाँ पे लिखना है 5:45। ओके, 5:45 हुए है, लिखेंगे पादोन षड वादनम 6:45। 10:30 10:30, तो क्या यूज करते हैं 30 के लिए, 30 मिनट्स के लिए सार्ध, तो सार्ध 10:09, यहाँ पे है 4:45 है, तो कितने हुए 4:45। तो पहले नंबर्स में लिखेंगे 4:45 हुए है और 5:15 कम है, तो हम लिखेंगे पादोन पंचवादनम। इस प्रकार आपको कोई भी टाइम हो, इस प्रकार आपको नंबर्स में और वर्ड्स में लिखना है, बुक में भी इसी प्रकार आपको लिखना है। ओके, हम मैच ए विथ बी प्रॉपरली, यहाँ पे नंबर्स में टाइमिंग दिया हुआ है और यहाँ पे संस्कृत में दिया हुआ है, आपको मैच करना है। ये है 4:15, 4:15, तो क्या यूज करेंगे 15 मिनट्स के लिए, सपाद चतुर्वादनम, तो सपाद चतुर्वादनम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 नंबर के साथ मैच करेंगे। 6:30 6:30, तो क्या यूज करेंगे 6:30 के लिए, 30 मिनट्स सार्ध षड वादनम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 नंबर। फिर है 2:45, तो क्या यूज करेंगे 45 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स कम है, तो क्या आएगा पादोन त्रिवादनम, 3:15 कम है। फिर है 7:15, तो 15 के लिए हम यूज करेंगे सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम, यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर। नेक्स्ट है 8:45 मीन्स 9:15 कम है, तो क्या लिखेंगे 15 मिनट्स कम के लिए, पादोन 9 वादनम, 9:15 कम, पादोन 9 वादनम, तो यहाँ पे 5 नंबर। इस प्रकार आपको एक्सरसाइज बुक में करनी है, ये एक्स्ट्रा दिया गया है तो उसे छोड़ दो। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको क्लॉक नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसका टाइम संस्कृत में वर्ड्स और नंबर्स दोनों में लिखना है। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।